नमस्कार, मैं अलका मनोज, बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी मोर्चा तेलंगाना से। आप सब लोग को मालूम है कि जमराड़ा विलेज में, जो शंकरपल्ली के एरिया में आता है, वहाँ पे जो अभी हुआ है 2-3 दिन पहले इंसिडेंट चर्च में, वो बहुत ही दुखदाई है। मुझे भी बहुत बुरा लगा, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते थे। मैं उस दिन ट्रैवल कर रही थी, सुबह सुबह मुझे न्यूज़ आया कि चर्च में ऐसे ऐसे अटैक हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे आप डिटेल्स दीजिए, मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, फिर भी मैं हैंडल करूँगी। लेकिन और दूसरे लोगों से मुझे हर तरफ से सब लोग बम्बार्ड करना शुरू कर दिए कि बीजेपी एंड आरएसएस ने चर्च के ऊपर अटैक किया, चर्च को तोड़ दिया, पास्टर को मारा, और जितने भी बिलीवर्स थे उन लोगों को भी मारा बुरी तरह, और पूरे ब्लड बहते हुए ये सब पिक्चर्स उन लोगों ने मुझे भेजा। लेकिन मैंने उसका पूरा डिटेल्स चेक किया था, जो मुझे अपडेट कर रहे थे, जिनके थ्रू मुझे आ रहा था। तो मैंने बोला पूरा चेक करके मुझे बताने के लिए। तो जब हमने पूरा चेक किया है तो मैटर यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे ना तो बीजेपी इन्वॉल्व है, ना तो आरएसएस इन्वॉल्व है। अभी कोई भी आके, कुछ भी आके, मतलब ऐसे कुछ टच किया तो बस बीजेपी वाले ने कर दिया। ये कहाँ का न्याय है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कोई किसी का मेंबरशिप है क्या उसमें से, बीजेपी का? अगर उनके साथ, उनके पास मेंबरशिप है तो आप मुझे बोलिए, मैं उनको सस्पेंड करवाती हूँ बीजेपी से। और मैंने बहुत बार ऐसा एक्शन लिया है, जो भी खिलाफ बोलते हैं और खिलाफ किया है काम अपने कम्युनिटी के खिलाफ, मैंने एक्शन लिया, आप सबको पता है। लेकिन ऐसे ही आप अफवाह मत फैलाइए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ, थोड़ा समझिए और जानिए कि क्या हुआ है। वहाँ पर रोड वाइडनिंग का इश्यू था, जो 100 फीट रोड बन रही है अभी वहाँ पे उस एरिया में। तो पास्टर जी को ऑलरेडी नोटिस दिया गया था, लेकिन चर्च ने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया था। तो वो लोग रोड वाइडनिंग के लिए वहाँ पे आए थे, तब वहाँ पे उन लोगों का आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ गांव के लोगों से, और फिर आपस में उनका टकराव होके, गांव वालों के साथ टकराव होके एक दूसरे को उन लोगों ने मारा पीटा, ऐसा हुआ है। अभी हर चीज़ में बोलते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी ये कैसे हो सकता है? ऐसा अफवाह मत फैलाइए, और देश में जो शांति है उसको भंग मत कीजिए, क्योंकि हम सब लोग मिलके अपने देश की उन्नति के लिए साथ चलना है। हम क्रिश्चियंस लोग हमेशा अपने देश के लिए इतना प्रेयर करते हैं सुख शांति के लिए, तो हमें तो सबसे पहले शांति मेंटेन करना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि 1960 में एक स्पेस सेटल के लिए बनाना जगह चाहिए था केरला में, थुम्बा विलेज में। तो वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे मछुआरे के भी वो लैंड्स आ रहे थे, उनके घर भी आ रहे थे, और एक चर्च भी था जो बिशप पीटर जी का था। तो वहाँ पे साराभाई मैडम जाके बिशप जी से निवेदन किया उन्होंने कि ये एरिया हमें चाहिए। तो वो एरिया उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बताया कि ये अपने देश के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो उन्होंने खुशी खुशी दिया, वो चर्च वालों से बात करके खुशी खुशी दिया, और फिर गवर्नमेंट के तरफ से उनको 2 जगह दिया गया चर्च बनाने के लिए। तो आपको कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं वो काम करवाऊंगी आपको, दूसरा जगह चाहिए मैं दिलवाऊंगी आपको जगह, लेकिन आप जो डेवलपमेंट है उसमें, वो डेवलपमेंट होने दीजिए। वो डेवलपमेंट होने से हम सबका डेवलपमेंट होता है, वो उस एरिया का होगा, चर्च का भी डेवलपमेंट होगा। तो जो रोड बन रहा है, रोड तो बनने दीजिए ना आप। तो यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि मतलब ऐसा बिना मतलब का अफवाह फैला के एकदम माहौल को ख़राब मत कीजिए। अगर हम साथ साथ चलेंगे, हंसते खेलते सब लोगों को साथ लेके, तो हर जगह पे जो बाइबल कहता है कि हम यहाँ पे हम नेबर्स को हमें प्यार करना चाहिए, तो वो तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, जो बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन सच्चाई जान के, बिना सच्चाई जाने हुए आप लोग प्लीज़ अफवाह फैला के माहौल को ख़राब मत कीजिए। यही मेरी निवेदन है, और कहीं भी कुछ भी ज़रूरत है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों के लिए हूँ। धन्यवाद।